यार बड़ी तेज भूख लग रही है। पैसे पड़े हैं कुछ? पैसे तो देखने पड़ेंगे। पैसे तो भाई आज मेरे पास भी नहीं है। 1 ही रुपया लग रहा है मेरे पास। भाई 1 रुपये में क्या होगा भाई? क्या करे यार, भूख भी बहुत तेज लग रही है आज। 1 रुपया पैसे भी नहीं है मेरे पास, कंगाली पड़ी हुई है। उनके बारे में नहीं सुना क्या तूने, श्री श्याम रसोई? सुना भाई, 1 रुपये में भरपेट खाना अनलिमिटेड। 1 रुपये में पागल हो रहा है क्या? मजाक कर रहा है, 1 रुपये मजाक लग रहा है भाई। सुना ही नहीं लग रहा है तूने? 1 रुपये में अनलिमिटेड, जब तक तेरा पेट ना भरे ना जब तक तू खाए जा। oh no. चलते हैं वहीं पर, चल इसी बहाने तेरी भूख भी सही हो जाएगी। 1 रुपये में क्या क्या मिल जाएगा यार? क्या क्या मिल जाएगा वो तो जब तू जाएगा ना देखेगा, जब तुझे पता चलेगा 1-1 में क्या क्या मिला। अच्छा सही बता रहा हूँ। चले फिर, 1 रुपया वसूल है ये सोच ले। चले फिर, चल फिर चलते हैं। 1 रुपया आजा और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। रोम रोम, मेरा नाम है शिवम और मैं हूं विशाल। और गाइज हम आ गए हैं आज फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो गाइज आज होने वाला बहुत खतरनाक वीडियो होने वाली है। बहुत खतरनाक वीडियो होने वाली है। तो गाइज आज आप थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो कहाँ की होने वाली है। तो गाइज आज हम जाने वाले हैं नांगलोई भूतों वाली गली में। भूतों वाली गली नाम है, सच में भूत नहीं है तो लेटेस्ट न्यूज है। वहाँ पे मतलब भूत वाली गली, पता नहीं किसने सोच के नाम रख दिया, लेकिन वहाँ पे वायरल चल रहा बहुत ज्यादा यूट्यूब पर। 1 रुपए में खाना, वो भरपेट 1 रुपए में अनलिमिटेड खाना। मतलब जब तक तुम्हारा पेट ना भरे ना खाए जाओ, घर पैक करा के। 1 रुपए में ना पैक भी करवा सकते लोग इन जैसे। 1 रुपया भी ना आपकी मर्जी है, आप दो या मत दो यार। गरीबों के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ बेस्ट, एकदम बेस्ट भाई। सबसे कम प्राइस है 1 रुपये खाली। इससे कम रुपये भाई क्या होता है, आप खुद ही सोच लो। 1 रुपये हम भी पहली बार इतनी सस्ता खाना खा रहे हैं 1 रुपये। तो गाइस हम ज्यादा वेस्ट ना। और भाई ये आप चैनल देख रहे हो ऑलराउंडर्स में, बार बार हम यही भूल जाते हैं सब्सक्राइब का तो बोल दे। तो भाई अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बाकी वीडियो में बने रहो। लोकेशन का लिंक है वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह, जाके वहाँ चेक कर लेना। कमेंट में बोलना भाई जाना कहाँ पे। बाकी हम मिलते हैं आपको बाद में। 2 hours later तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे श्री श्याम रसोई के एकदम सामने। बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आ रहे हैं। और हमने मतलब अभी थोड़ी सी उनसे वहाँ उस तरफ हमने दिखाया, जैसे आपको दिखाया कि अभी दिखाएंगे। ये तो कुछ समझ के परे है कि कैसे मतलब बनाया जा रहा है खाना। आपको भीड़ दिखा देता है। ज़्यादा भीड़ लग रखी है। तो गाइस आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। हम आपको अब शॉर्ट दिखाते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है, अंदर लोग कैसे बैठे हुए हैं और क्या क्या मिल रहा है खाने में। 1 रुपये में हम आपको दिखाते हैं क्या क्या मिल रहा है खाने में। तो गाइस यहाँ ये हलवा का है, ये इसमें खाली हो चुका है। ये सोयाबीन की सब्जी है, ये दाल की है, आप देख सकते हो कितनी स्वादिष्ट। उधर चावल है, ये रसोई है पूरी की पूरी, आप देख सकते हो। ये पूरी रसोई है, वहाँ पे सामने अनाज रखा हुआ है जो बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे तैयारी हो रही है खाने की, दाल बनाई जा रही है। यहाँ पे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें बच्चे पानी पी रहे हैं, पानी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम 1-8 बच्चों से पूछते हैं कैसा था खाना। खा लिया? कैसा था खाना? बढ़िया। जा रहा भाई, बच्चों को तो बहुत पसंद आ रहा खाना। चलो बढ़िया। कब से आ रहे हो इधर आप? जब से हो रहा है। रोज आते हो? कैसा खाना? अच्छा पहले बाहर होता था। खाना कैसा, खाने में क्या क्या मिला? खाने में राजमा और मटर पनीर, चावल। कितने रुपए दिया आपने? 1 रुपये भी नहीं। आना मत माता जी सैदार, आप फ्री भी है ना। सही है, चलो ठीक है। तो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पे 1 रुपये का खाना लेकर। तो गाइज हमारे आ चुके हैं ये 1 रुपये में भरपेट खाना अनलिमिटेड थाली। देख सकते हैं आप इसमें क्या क्या है। एक तो ये है आलू गोभी, ये है राजमा, और ये है कड़ी की सब्जी आई थिंक, और ये है चावल। मटर पनीर भी है, बाकी प्लेट में स्पेस नहीं है इस वजह से अभी इतना ही है, बाकी खाना बहुत बढ़िया भी हम खाते हैं इसे। तो गाइस अब विशाल भाई चेक करने जा रहे हैं। खाने में तो बहुत बढ़िया है भाई, ओह माय गॉड बहुत बढ़िया खाना है भाई। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मजा आया, तो एक नंबर है, जैसे घर का होता है एकदम वैसा स्वाद है, टेस्ट एकदम गजब है, कोई भी गलती नहीं है खाने में कोई कैसे भी। आप ज़रूर आइए बस। तो गाइस हमने खाना खा लिया है श्याम जी का, हमारा खाना गजब था। हम इन्हें आपको बोर्ड दिखा देते हैं जिससे आप इनको अगर मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये रहा श्री श्याम रसोई का बोर्ड, और ये रहा श्याम रसोई, और जो ये है ये पेटीएम नंबर है, अगर आपको कुछ इनकी सेवा करनी है तो इस नंबर पे आप पैसे भेज सकते हैं। और अगर वैसे आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए वो अलग नंबर दे रखा है, जो वो वाला है 8700 वाला, जो इधर ये नंबर दे रखा है, ये कुछ पूछने के लिए है। तो गाइज ये मैंने मतलब हम जब ले रहे थे खाना तो उस टाइम मूंग की दाल का हलवा नहीं था, तो हमने अब लिया है, तो देख सकते हो आप कितना मतलब मस्त लग रहा है। मेरा फेवरेट है भाई ये मूँग की दाल का हलवा, आप देख सकते हो इसमें काजू पड़े हुए हैं, काजू बादाम है ये, काजू है, हाँ ये काजू है। तो भाई अब देख सकते हो आप, देखने में कितना मस्त लग रहा है, अब खा के दिखा, खाने में तो और खतरनाक होगा, मैं खा के दिखाता हूँ आपको। जा रहा हूँ भाई मैं, भाई खाने में इतना खतरनाक ना, जब शादियों में नहीं होता वैसा है एकदम, मतलब बहुत ज़बरदस्त है, देसी घी से बना हुआ, उसकी खुशबू अलग से ही आ रही है। तो विशाल भाई खा के दिखाएगा, ये बोल रहा था मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, पेट भर गया, तो अब खा के दिखाएगा कैसा है। अब बोल रहा था खाएगा ना तो बोलेगा दोबारा खाऊंगा। कैसा है भाई? है यार एक नंबर भाई, बहुत बढ़िया स्वाद है हलवे का, हाँ बहुत जबरदस्त स्वाद है, मतलब मजा आ गया हलवा खाकर। 2000 years later। तो गाइज वीडियो हो गई है खत्म, और हम आ गए हैं श्री श्याम जी के वहाँ से वापस। तो गाइज आपको होप आपको वीडियो बहुत मजा आया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। 0 रुपए हमारे लगे वहाँ पे, 1 रुपए लगे यार, 1 रुपए इसके 1 रुपए मेरे, नहीं 1 ही लगा क्योंकि हमने 1 ही प्लेट, अरे कहना क्या चाहते हो, हाँ 1 ही थाली में हमने खाया था, 1 ही थाली के चट्टे बट्टे, हम हमेशा 1 ही थाली यूज करते हैं हर जगह। तो गाइज इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि हम वहाँ पे गए तो हमें एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे कोई भी बंदा जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई सी क्लास का हो, लोअर हो, अपर हो, कोई भी जा सकता है सेवा करने के बाद। काफी अच्छे अच्छे लोग भी थे वहाँ, और थोड़े बुजुर्ग भी थे, हाँ बढ़िया, मतलब बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश थे हमसे, हमने उनसे बात भी की, आपने देखा होगा क्लिप में। तो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आपको पता ही है क्या करना है, सपोर्ट दिखाओ यार, सपोर्ट की बहुत जरूरत है आप, हाँ यार, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना हर बार की तरह। सब्सक्राइब कर दो यार, ढंग से सब्सक्राइब कर दो, इतना सब्सक्राइब कर दो ना कि मोबाइल हैंग हो जाए तुम्हारा, सारे मिलके हमको पागल बना। तो यार इस वीडियो को ना इतना शेयर करना की जिसको इसकी जरूरत है नहीं उसके पास तक पहुँच सके। 1 रुपया यार बहुत ज्यादा, वीडियो के जरिए यार हर किसी को पता चले, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे काम, सेवा करने के लिए कर रहे, लोगों की मजबूरी समझ रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं होते खाने के, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, आराम से खा सकते हो, सब कुछ बढ़िया था। और अगर आप अपनी तरफ से उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो 1 रुपया पेटीएम कर सकते हो, इससे ज्यादा करने को उन्होंने मना किया है। पेटीएम नंबर दे रखा है, मर्जी है जितना आपकी, जो भी आपके पास जितना भी आप दे पाओ दे देना। यार हमने सोचा हम उनसे बात भी करें पर वो सेवा में इतने ज्यादा बिजी थे, फोटो मिल गई मुश्किल से, वही बहुत है यार, वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बोल दिया था कि अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, शाम तक फ्री होऊंगा, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पाए। तो गाइस वीडियो हो रही है बहुत लंबी, तब तक के लिए गुड बाय, वीडियो में बने रहना, अगली वीडियो का इंतजार करना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राम 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 राम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए।